गरीब तबके के लोगों के सामने अनेक तरह की चुनौतियों को जन्म दे दिया है। आर्थिक संकट तो है ही, साथ ही खाने पीने को लेकर जीने तक के संकट हैं। कोरोना संकट को देखते हुए राजधानी रायपुर में अनेक समाजसेवी संगठन हजारों लोग राशन से लेकर खाना सहित अन्य जरूरत के सामानों को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे समाजसेवी संगठन में से एक है आशाएं, क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद से आशाएं के सदस्य वैश्विक महामारी के बीच अपने घर से निकलकर जरूरतमंदों के घरों तक जरूरत की चीजें लेकर पहुंच रहे हैं। आशाएं समाज सेवी संस्था विगत 10 वर्षों से लोगों की सेवा कर रही है। कोरोना आने के बाद ये हम सब की, सारे एनजीओ और हर किसी की परीक्षा है कि जो तकलीफें आ रही है उसको कैसे लोगों की तकलीफें कोशिश करके अपने अपने छोटे छोटे माध्यम से, छोटे छोटे प्रयासों से कम किया जाए। हम ये पूरे यंगस्टर्स का ग्रुप है और हम लोग लगातार इस कोरोना की महामारी जब से लॉकडाउन घोषित हुआ है 29 तारीख से लगातार हर टाइप की मदद जो संभव हो पा रही, जो ऊपर वाला हमसे करा पा रहा है, जो हम कर पा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ गोगांव क्षेत्र में और पूरे रायपुर के सारे आउटर क्षेत्र में जा करके हमने सूखा अनाज, सूखा राशन, पका हुआ खाना, हर चीज का वितरण किया है। आशाएं समाज सेवी संस्था 2010 में स्टार्ट हुई थी और अभी स्पेशली इस लॉकडाउन की मुहिम में पिछले 29 मार्च से अब तक आशाएं समाज सेवी संस्था लगातार घरसर रही है और जगह जगह जाके वो ये एश्योर कर रही है कि किसी भी लोगों को, किसी भी जरूरतमंद को आज भूखा ना सोना पड़े शहर में। बेसिकली हम लोग 300 यंग मेंबर्स हैं जो आज इस संस्था में जुड़े हैं और अभी आज जैसे हमने ये गोगांव क्षेत्र है इसको हमने गोद ले लिया है और हम सब मिलके यहाँ 1000 फूड पैकेट रोज वितरित कर रहे हैं। आज हमारा 12वां दिन है और जब तक 3 मई तक ऑफिशियली लॉकडाउन एंड नहीं होगा, जब तक हम रोज यहाँ पे आके अपना सर्विस पूरी देंगे और आगे भी हमें जहाँ जब जरूरत जैसी दिखेगी उस हिसाब से हम पूरा काम करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए।